नमस्कार दोस्तों, एक ना मार्केट है कलकत्ता में गली स्ट्रीट। अब मैं पंजाब की ना आपको गली स्ट्रीट दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ से जितना भी आप शुरू हो जाओगे ना, ये गली स्ट्रीट की तरह ही है। और पंजाब का सबसे फेवरेट शो है ये। मतलब आप इसको कह सकते हो कि जितनी रौनक यहाँ पर दिखने को मिलती है ना पप्पी मार्केट में, जो बाहर लगती है, वो उतनी रौनक आपको पंजाब में कहीं और नहीं मिलेगी। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर क्यूट से गोल्डन रिट्रीवर, साढ़े तीन महीने के हैं, है ना, टू मंथ के है। अच्छा, ये टू मंथ के हैं। और क्वालिटी देखो आप। भैया कहाँ से हो आप? अमृतसर से ही हो, लोकल। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये भी आप देखो, ये शिरजू है, शायद सोए हुए हैं सारे बच्चे, हम बाहर नहीं निकालेंगे। ये चौचाऊ है और ये हस्की और बीगल, और ऊपर है इनके छोटा सा क्यूट टॉय कॉन। और आज मौसम देखो, मौसम बड़ा अच्छा है, अमृतसर का मौसम बहुत अच्छा आज है। आज पूरे इंडिया में वैसे फोग ही होगी। और ये हस्की है, वैसे लॉन्ग कोट केड़ा हस्की है, बुली कोट हस्की। हाँ, ये बुली कोट हस्की है। इसका वैसे देखने का अलग ही सिस्टम है। ये देखिए कितना क्यूट है, नीचे भी है, वो दूसरा नॉर्मल कोट है ना। और ये अमेरिकन बुली है, और ये लैब्राडोर आप देख सकते हो। चलो, अमृतसर में मेरे जितने अमेरिकन बुली बिक रहे हैं इस टाइम मेरे ही है। अपनी स्टड सर्विस बहुत बढ़िया जा रही है भगवान की कृपा से। और ये भी स्टड के बच्चे हैं, डिम्पी के। इसका भी नंबर नीचे फ्लैश कर दूंगा मैं, चेक कर कहना। आवाज बहुत नहीं तो आ नहीं रही होगी। ये भी क्वालिटी देख लो, ये भी डिम्पी के स्टड के बच्चे हैं। इसके बच्चे नहीं है, डिम्पी के स्टड के बच्चे। मेरे डॉग के बच्चे। ठीक है, ठीक है। ये लैब्राडोर, डैशहाउंड और जर्मन शेफर्ड, क्या बात है। मतलब आप जहाँ भी देख सकते हो, ये स्ट्रीट 1 किलोमीटर के करीब होगी और सारी जगह आपको यही मिलेगा आज। और ये संडे को ही लगता है, किसी डॉग शो के बाद। क्या आप यहाँ पर देख सकते हो, पाकिस्तानी बुली है ये। और ये लैब्राडोर है, सारे सोए हुए हैं अभी, मजा ले रहे हैं पूरा। ये भैया कार में, भैया एक मिनट, कार को ले रहा। और ये कार में देखो, इन्होंने पूरा वो घास लगा के पूरा सिस्टम बनाया हुआ है सर्दी से बचने का। अच्छी चीज है ये पग है, ये इनका स्टड डॉग है। इन्हें बड़ा अच्छा जैकेट के अंदर छुपा के रखे हुए हैं, ठंड लग रही है ना इनको। थोड़ा मौसम भी अच्छा है जैसे। और ये पूरा कुंबल का अरेंजमेंट पूरा किया हुआ है इन्होंने। ये देखो, ये एज कितनी होगी इसकी? 35 दिन के हैं, 35 दिन के बच्चे हैं। एक दो साल पहले क्या होता था, लोग छोटे बच्चे लाते थे, ज़्यादा ही बताते थे। अब क्या है कि एज ये 45 दिन के प्लस ही होगा, और कम दिखा रहे हैं, जो अच्छी चीज़ है। मतलब छोटा बच्चा बिल्कुल ही बिकना बंद हो गया। हम ये नहीं कहते कोई लाता है, नहीं तो पोमेरियन बड़ा छोटा होता है। और ये देखिए, ये 50 दिन का इनके पास जर्मन शेफर्ड है। अच्छी बात है कि 40-45 दिन के ऊपर ये बच्चा ला रहे हैं। ये यहाँ पर जर्मन शेफर्ड है, और वो पग है एक, और ये भैया लाए हैं जर्मन शेफर्ड। ये गद्दी है, और ये गद्दी डॉग है जी, जर्मन शेफर्ड नहीं है। देखने में जर्मन शेफर्ड ही लगता है, लेकिन थोड़ा सा ये भैया, मतलब गद्दी पंजाब की ब्रीडिंग है या बाहर लेने जाएंगे? पंजाब से ही है। आपके पास स्टड है इसका? नहीं, इसके पास है। अच्छा, फीमेल आपके पास? स्टड भी अपने पास है। और ये भी बड़ा कम दिखता है आजकल शोज में, गद्दी। और वो भी गद्दी नहीं है, ये गद्दी है जो पंजाब में गद्दी बोलते हैं, बड़ा गद्दी कहते हैं इसको। वो भी फीमेल है, ये मेल है। अच्छा, वो फीमेल है, ये मेल है। ये अभी बच्चे मिलते नहीं है कहीं से। हाँ, बच्चे गद्दी तो नहीं मिलता कहीं, गद्दी नहीं मिलता कहीं। क्या बात है, क्यूट है बच्चा। और यहाँ पर चलते हैं, सारे लोग आए हुए हैं मजा लेने। कुछ खरीदने भी आए हैं, कुछ हमारे जैसे शूट करने भी आए हुए हैं लोग। ये वर्मा कैनल से आए हुए हैं, ये शिरजू डॉग। क्या बात है, आप ये देखिए हर तरफ। मैं तो एक साइड चल रहा हूँ, दूसरी साइड भी बच्चे हैं, जैसे वहाँ पर हम देखने जा रहे हैं। रेट में आपको क्यों नहीं बता रहा, रेट से आती हैं स्ट्राइक के मुझे। और ये देखो, ये अभी दिखने आया हुआ जर्मन शेफर्ड, और ये बड़ा क्यूट है अंदर, बच्चे अमेरिकन बुली हैं शायद। ये अमेरिकन बुली है ना, बड़े क्यूट बच्चे है ना। केड़ा साइज़ है भाई ये? एक्सल, ये एक्सल साइज़ अमेरिकन बुली है। और गन्ने का जूस भी चल रहा है। अमृतसर की यही खासियत है, आपको खाने पीने के लिए पूरा सिस्टम मिलेगा।
ये लैब्राडोर है। अच्छा ये देखो क्या सिस्टम बनाया हुआ, गाड़ी के अंदर ही बैठाया हुआ आराम से। बच्चे नहीं लाए हुए शायद ये, लेकिन अपना स्टड डॉग ही दिखाने के लिए लाए हैं। बड़ा हैवी बिल्ड वाला कुत्ता है, क्या बात है। ये किसका बच्चा भैया? ये टॉम का सन है। टॉम? हाँ जी। वो कहाँ से है टॉम? वो टॉम जो था वो हरियाणा में है, इटली इम्पोर्ट था, उसका फादर सुल्तान। सुल्तान? हाँ, सुल्तान का सन था टॉम। ये टॉम का डायरेक्ट सन है। बड़ा प्यारा यार लैब्राडोर। विद पेपर्स है ये? अभी ये 15 मंथ का हुआ है, केसीआई रजिस्टर्ड है। तो शो में नहीं उतारा आपने? नहीं, शो में हम इसका शो नहीं बनाते। शो में नहीं लगा। स्टार्ट सर्विस ही है। अमृतसर से ही आप? नहीं, होशियारपुर सिटी। अच्छा होशियारपुर। चलो बड़ा अच्छा ये लैब्राडोर इन्होंने दिखाया। और ये देखो आज ठंड है, ठंड की वजह से ना एक दूसरे पर चढ़े हुए हैं कुत्ते, लेकिन मौसम अच्छा है। ये नहीं है डॉग के लिए सबसे अच्छा मौसम है। वैसे भी इन्होंने अरेंजमेंट देखो, नए नए कपड़े लगा के नीचे भी उसके कपड़े डाले हुए हैं। छोटी ब्रीड को स्पेशल इन्होंने कपड़ों से ढका हुआ है, और जो अच्छी बात है। ये भाई साहब को हमने पहले भी देखा था, ये गोल्डन रिटीवर वाले बड़े फेमस हैं। हमने पहले भी इनकी वीडियो वायरल हुई थी हमारे चैनल पर। ये गोल्डन रिटीवर ही लाते हैं? हाँ जी, हाँ जी। ये आते हैं खन्ना से शायद? हाँ जी, हाँ जी। खन्ना से ही हो ना? लुधियाना जी, दोनों नियर पर। वही लुधियाना खन्ना, हमें देख लो अभी तक याद है। और ये देखो आप क्या कचालू लगा रहे हैं? शकरकंदी, संघाड़े और शकरकंदी। और ये देख लो कितने साल हो गए लगाते हुए? 5 साल हो गए। आओ शो में शकरकंदी का भी नजारा लो। और यहाँ पर हम देख रहे हैं अमेरिकन बुली और छोटे छोटे पग। ये देखो ये शरारती ब्रीड है। ये तीनों भाई बहन बैठे हुए हैं अंदर। और ये देखो ये स्टाइल अच्छा लगा, जैकेट के अंदर डाल लो इसको, है ना। और ये पग कितनी देर का? ये 2.5 महीने। 2.5 महीने का पग भी लाए हैं। और ये मैं आप कितना कवर करूँ, ये सारी स्ट्रीट है। मैं आपको कह रहा हूँ कि जो गली स्ट्रीट है ना उसमें 3-4 काउंटर होते हैं, उसका भी मैं वीडियो जल्दी डाल रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 2 से 3 डॉग होगा आराम से। और ये भी शायद जर्मन शेफर्ड है। जर्मन शेफर्ड डबल कोड। डबल कोड? डबल कोड क्या होता है भैया? डबल कोड भाई ये कोड होता है ये। अच्छा लॉन्ग ईयर, थोड़ा मतलब लॉन्ग ईयर। हाँ हाँ लॉन्ग ईयर, ठीक है। और ये भी बड़े क्यूट हैं इनके पास। आप कहाँ से हो वैसे? अब बठिंडा। बठिंडा से? हाँ जी बठिंडा से आए हैं। बठिंडा। और ये पोमेरियन है? ये पोमेरियन स्पिट जी। ये इंडियन स्पिट। हाँ बड़े क्यूट बच्चे हैं। एज अच्छी है इस बार बच्चों की सभी की। बीगल देखो, बीगल और लेब्रा लड़ते हुए एंजॉय कर रहे हैं। इनके लिए भी बाहर निकलना आया था, आउटिंग हो जाती है। ये शिरजू कहाँ से हो आप? बटाला। बटाला अमृतसर से ही हुए? ये देखो लैबरा, ये भी कौन सा कलर है? चॉकलेट कलर है लैबरा। ये चॉकलेट कलर और ब्लैक कलर इकट्ठे लाए हैं। और यहाँ पर बड़ी एज के कुत्ते भी होते हैं, ये देखिए। और ये पोमेरियन है, वो भाई साहब ने लैबरा निकाल लिया। ठंड का अरेंजमेंट पूरा करके लाए हैं इस बार कि डॉग बीमार ना हो जाए। वैसे दूसरे दिन तो डॉक्टर्स की चांदी होती है। या कीता, मतलब आप जहाँ भी देखोगे आपको डॉग ही मिलेंगे। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि दोनों साइड में 1 किलोमीटर के करीब आपको डॉग ही डॉग मिलेंगे। दोनों साइड में डॉग हैं। एज आप यहाँ से 1 महीने से लेकर 6 महीने साल तक भी डॉग आपको मिलेंगे। और ये भी नया सिस्टम है, टब में ले आए हैं। और ये अच्छी बात है टब। और ये आराम से सोए हुए हैं। फ्रेंच बुलडॉग है ये। कितनी एज के होंगे भैया? 35 डेज के हैं। ये छोटी ब्रीड है तो देखने में छोटी लगती है ना वैसे। तो आप कहाँ से हो? लुधियाना से। लुधियाना से हो, यही फ्रेंच बुलडॉग का ही काम है ना? और भी रखी है, रिट्रीवर है जी, जर्मन है, पाकिस्तान चौज, सब मिल जाएंगे। सब मिल जाएंगे, चलो अच्छी बात है जी। ये आप लैब्राडोर देख रहे हो, ये भी। ये देखिए चेंज कितना आया, मैं आपको जैसे बता रहा था। चलो पकड़ने का ढंग थोड़ा गलत था उनका। और ये अमेरिकन बुली है। ये कौन सा साइज है भैया? पॉकेट है, बाहर निकालोगे इसको? हाँ ये पकड़ा हुआ है इन्होंने। और ये है पॉकेट साइज। ये डिब्बी आपकी ब्रीडिंग का? मेरी ब्रीडिंग स्टड सर्विस देती है अपनी लोकल। अच्छा आपने स्टड दिया था? स्टड की, उसके बच्चे हैं सारे। बड़े साफ बच्चे हैं, साफ मतलब इन्होंने साफ भी रखे हुए हैं और वैसे भी क्यूट है, हैवी है बच्चे। कई लोगों को ये गलत लग रहा होगा कि बच्चे अंदर हैं, भाई इन्होंने भी अडॉप्शन करवानी है आगे। और ये देख लीजिए क्वालिटी,
ये पॉकेट साइज है, पॉकेट साइज। और ये कलर बड़ा फेमस हुआ था अपने ब्लू कलर और ब्लू आईज के साथ, और कई तो इसके पैसे भी ज्यादा मांगते थे, ब्लू कलर है महंगा हो गया। पर नॉर्मली ये बच्चा बड़ा ट्रेंड चला था, और एक बार इसका ट्रेंड चला था, यहाँ पर निशान होता था टिक्का, और टिक्का जिसको आता था वो महंगा बिकता था। नए नए स्टंट बना लेते हैं, लेकिन अच्छे बच्चे हैं ये सारे, और लीटर में हर तरह का बच्चा आता है। अब टिक्के वाला भी होगा इनके पास कोई ना कोई, और ये क्यूट है बच्चे। इसके फादर का नाम क्या भैया? ब्रोक है, ब्रोक फादर है, ब्रोक यूएसए इंपोर्ट का सन है मेरे पास, उसके बच्चे हैं ये सारे। ये देखो टिक्के वाला बोल रहे थे। अच्छा, इसके यूएसए इंपोर्ट का मतलब इसका दादाजी इंपोर्ट थे? इसका दादा इंपोर्ट, मतलब इसकी क्लोज ब्लड लाइन है इंपोर्ट से। चलो डिम्पी का नंबर यहाँ पे फ्लैश कर रहा होगा, भाई साहब का भी नंबर अगर बोलना तो बोल दो। 7340705003। वो ट्रस्टेड बच्चे हैं, ये नहीं है कि बच्चे खराब हैं, क्वालिटी के बारे में देखने से ही पता लग रहा है, जो जानकार है उनको तो दूर से ही पता लग जाएगा। चलो ठीक है, अमृतसर से ही है भाई साहब। तो ये क्यों लाया आप? सेल करने के लिए। कौन सी ब्रीड है ये? ये लैबर है। ये कहाँ से लिया था आपने? दोस्त से लिया था। चलो अच्छी बात है, लैब्रा लिया था भाई ने, और किसी दोस्त ने फ्री दिया है ना, और ये बेचने आ गया। तो दोस्त का तो बेचते हैं ही नहीं है कभी यार, बेच के रहे एंजॉय करने आए हो क्या डॉग शो में? चलो एंजॉय करो। यहाँ पर कुछ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी आई हैं, ये देखिए, ये आप कह सकते हो पूरा कैनल यहाँ पर ही बना लिया आज इन्होंने संडे के दिन, और सारे अच्छे लैब्रा डॉग हैं यहाँ पर। और अरेंजमेंट देखो, नीचे घास है, ऊपर कपड़े, और भाई साहब बैठे हुए हैं। कहाँ से आए भैया? पिक्की पिंड अमृतसर से ही। लोकल ही हो आप? लोकल ही है। और ये स्टड सर्विस के लिए ज्यादातर आए हैं ना? स्टड सर्विस है या सेल? नहीं, ये दोनों सेल है सर। अच्छा, ये डिल्लो कैनल है, ये इनकी क्वालिटी। ये अरेंजमेंट बड़ा अच्छा लगा इनका, मजे से बैठ रहे हैं आज पूरा दिन संगाड़े और उसका सेवन करते हुए लोग। ये सर्दी में बड़ा मजा लेते हैं लोग खाने पीने का। अमृतसर के लोगों की ये खासियत है कि खाने पीने में इंजॉय करो, काम करो ना करो। ये हस्ती मैं दूर से ही, मैं रेट दिखाना बंद कर गया, और ये मुझे गलत लगा था, मैंने पहले भी इसको मना किया था कि डॉग सेल का बैनर लगाया हुआ है इन्होंने। ये देखिए, ये इनको मैं पहले भी मना करके गया था कि ना लगाओ, पर लोग मानते नहीं हैं। इसके गले में पट्टा डाल दिया कि इसको बेचने के लिए। हर तरह की उंगली बराबर नहीं होती, तो लोग भी नहीं बराबर होते। कुछ यहाँ पर अच्छे बंदे भी आते हैं, कुछ फ्रॉड भी आते हैं। नंबर देना तभी मैंने कम किया कि अगर अच्छे बंदे हैं तो कुछ ना कुछ फ्रॉड ना किसी के साथ हो जाए। ये दोनों तरफ गलीफ मार्केट कुछ भी नहीं है। कुछ लोग तो यहाँ पर अपने होर्डिंग भी लगाते हैं, जैसे ये ब्रदर्स कैनल है, इन्होंने होर्डिंग लगाई हुई है, पंजाबी में लिखा हुआ है, हर तरह की फीड, लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, बीगल, गोल्डन रिटरीवर, पोमेरियन और रॉटवेलर, हर तरह के डॉग होते हैं इनके पास। ये मार्केट जो लगती है, ये डॉग शो के तुरंत बाहर ही लगी होती है। अंदर एंट्री अब बिल्कुल बंद कर दिया कि डॉग परचेजिंग की, लेकिन बाहर मार्केट लगी होती है। यहाँ पर आपको ध्यान करने वाली दो ही तीन चीज़ें हैं कि आपको एक तो ब्रीड की नॉलेज होनी चाहिए, प्लस अगर आप किसी को लाते हो तो ऐसा बंदा लाओ जो ब्रीड की नॉलेज रखता हो, और ज़्यादातर 90% चांसेस हो जाते हैं। यहाँ से हमेशा वायरल कोई भी डिजीज़ है वो निकलेगी बच्चों को, क्योंकि अब ये तो है नहीं कि सारे बच्चे स्वस्थ होंगे। और कोशिश करके थोड़ा सा नॉलेज वाला बंदा साथ में लाओ, तभी डॉग लेने जाओ हमेशा मार्केट में, चाहे वो गली स्ट्रीट है, चाहे पंजाब का किसी शो में, या हिमाचल का, या दिल्ली का किसी शो के बाहर जो मार्केट लगती है, नॉलेज वाला बंदा लेकर जाओ। थोड़ा हो सके तो बच्चों को खिला पिला के थोड़ा सा 15 मिनट घूम लो, फिर ले वो बच्चा। हम ये नहीं कहते कि किसी के साथ धोखा ना हो, एंड ऑफ द डे डॉग लवर रहेगा तो बच्चे रहेंगे, और बच्चे रहेंगे तो डॉग लवर रहेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।